दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर सीमेन जो है पतला हो जाता है। ये पतला सीमेन क्या बला है? तो आप सब जान लो कि सीमेन के अंदर मेन चीज़ होता है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म स्ट्रक्चर। ये मेन पार्ट होता है जिससे बच्चा होता है। अगर किसी का स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, स्पर्म की स्ट्रक्चर नॉर्मल है, तो स्पर्म गाढ़ा पतला कुछ नहीं होता है। वैसे भी जान लो कि 20-22 साल के बाद अधिकांश लोगों का सीमेन पतला हो जाता है, क्योंकि पतले सीमेन में स्पर्म मूव करके और यूट्रस जाके बच्चे को प्रेगनेंसी, वाइफ प्रेगनेंसी करा सकता है। अगर स्पर्म गाढ़ा होगा तो उसे स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, उसका बच्चा नहीं होगा। तो 20-22 साल के बाद गॉड की डिफेंस सिस्टम है कि बच्चा हो इसलिए स्पर्म को पतला कर देते हैं। तो पतला स्पर्म ही अच्छा है अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है। तो अगर आपको लगता है मेरा स्पर्म सीमेन पतला है, तो प्लीज़ अपना सीमेन चेक कराइए कि आपका स्पर्म काउंट मोटिलिटी कैसा है। और स्पर्म काउंट मोटिलिटी नॉर्मल है तो सीमेन पतला गाढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीमेन गाढ़े पतले से शीघ्र पतन का कोई संबंध नहीं है। आई होप इसे नॉलेज मिला कि ये पतला गाढ़ापन क्या है।